एप्पल ने आईफोन पर पेगासस जैसे स्पाईवेयर अटैक का खतरा जताया है। इसे लेकर एप्पल ने भारत समेत 91 देशों में वार्निंग मेल भेजा है। सीमा विवाद का तत्काल हल निकालने के पीएम मोदी के बयान पर आई चीन की प्रतिक्रिया। चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने कहा, मजबूत द्विपक्षीय संबंध से दोनों देशों के साझा हितों की पूर्ति होगी। कभी भारत को आंख दिखाने वाला मालदीव अब पर्यटकों को लुभाने के लिए भारतीय शहरों में रोड शो करने वाला है। आंकड़ों के मुताबिक पहले यहां आने वाले भारतीय पर्यटक टॉप पर थे और अब ये छठे स्थान पर पहुंच गए। ब्रिटेन के आव्रजन अधिकारियों ने वीजा शर्तों का उल्लंघन करने के मामले में कड़ी कार्रवाई की। 11 भारतीय समेत 12 लोग गिरफ्तार। अमेरिका एक बार फिर गोलीबारी की घटना से दहल गया। इस बार राजधानी वॉशिंगटन डीसी में गोलीबारी की घटना हुई। गोलीबारी में जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और दो बच्चों समेत 5 अन्य लोग घायल हो गए। जूलियन असांजे पर अमेरिका आरोप हटाने पर विचार कर रहा है। सेना से जुड़े दस्तावेजों को लीक करने का आरोपी है असांजे। इतिहास के सबसे बड़े भ्रष्टाचार के मामलों में से एक वियतनाम की संपत्ति कारोबारी माइलैंड को अरबों डॉलर की धोखाधड़ी के मामले में गुरुवार को मौत की सजा सुनाई गई। इन पर एक दशक से अधिक समय तक साइगॉन कमर्शियल बैंक से नकदी ठगने का आरोप लगाया गया था। इटली में एक पनबिजली संयंत्र विस्फोट से मरने वालों की संख्या बढ़कर 5 हो गई है। गुरुवार को बचाव दल को 2 और शव मिले, जबकि 2 कर्मचारी अभी भी हैं लापता। यूक्रेन और रूस के बीच वार पलटवार के बीच बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर मॉस्को पहुंचे, जहां उन्होंने राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की। दोनों के बीच यूक्रेन और वेस्ट के बढ़ते दबाव और सुरक्षा के मुद्दों पर बातचीत हुई। बांध टूटने से अब भी कई इलाकों में बाढ़, हजारों प्रभावित, बड़ा नुकसान। रूस में बांध टूटने से ओरेनबर्ग इलाके में यूराल नदी अब भी अपना कहर बरपा रही है।